हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करनाल रसोई। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्रीखंड। आपने मार्केट से लाकर तो श्रीखंड कई बार खाया होगा, लेकिन आप एक बार घर पर बनाकर देखिएगा और दोनों को मिलाकर देखिएगा कि कौन सा श्रीखंड जो है ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि आपको घर का बना हुआ ये श्रीखंड बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे किसी भी फ्लेवर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मैंगो फ्लेवर श्रीखंड, क्योंकि मैंगो का सीजन है और क्यों ना फिर इसी फ्लेवर का आज श्रीखंड बनाकर तैयार किया जाए। और इस ठंडे ठंडे श्रीखंड को आप पूरी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मैंगो श्रीखंड। तो जब भी हम श्रीखंड बनाते हैं तो उसकी जो प्रिपरेशन है वो एक दिन पहले से ही हमें करनी पड़ती है, क्योंकि श्रीखंड के लिए दही जमाना होता है और दही जमाने के लिए उसे जो है एक दिन पहले ही जमा कर तैयार किया जाता है। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि घर में दही कैसे जमा सकते हैं और गाढ़ा मलाईदार, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि मैं आपके साथ जो है दही जमाने की रेसिपी भी शेयर करूंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक मसलिन क्लॉथ लिया है, और ये देखिए ये दही जो है बहुत ही गाढ़ा है, और हमें इसका जो है पानी निकाल कर अब इसे बिल्कुल हंकर बनाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मसलिन क्लॉथ ले लिया है, और इस मसलिन क्लॉथ पे हम ये सारा दही डाल देंगे। अब यहाँ पे दही आप अपने हिसाब से लीजिए जितना आपको श्रीखंड बनाकर तैयार करना है, और इस दही को अब हम जो है इस मसलिन क्लॉथ में बांध कर और इसे टांग देंगे। आप टांगने की जगह इसे जो है किसी भी भारी चीज़ के नीचे रख दीजिए, क्योंकि हमें इसका जो पूरा पानी है वो निकाल कर उसे गाढ़ा दही बनाकर तैयार करना है। तो इस प्रोसेस को भी कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं, तो इसलिए आप एक दिन पहले से इसकी प्रिपरेशन करने लग जाए। और अब हमने जो है इस मसलिन क्लॉथ को अच्छी तरह से बांध लेंगे, इसे मैं लटका दूंगी ताकि इसका पूरा पानी बाहर निकल जाए। तो यहाँ 6 से 7 घंटे बाद में हमारा जो दही है उसमें से पूरी तरीके से पानी निकल चुका है। एक बार मैं इस पोटली को खोलकर दिखाती हूँ कि हमारा जो दही उसका टेक्सचर कैसा है, और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा दही बनकर तैयार है, जिसे हंकड़ भी कहा जाता है। और इस दही को अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे, जिसमें हम जो है श्रीखंड बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी भगोनी में मैं श्रीखंड बनाकर तैयार करूंगी। तो यहाँ मैं ये करीब 8 लोगों के लिए श्रीखंड बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से यहाँ पे दही की क्वांटिटी रखिए। और अब हम इसे जो है फेंटना है, तो दही को फेंटने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से जो श्रीखंड बनाया जाता है उसमें दूध और दही को मिक्स करके ही श्रीखंड बनाकर तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे जो दूध की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखनी है, कि हमने अगर श्रीखंड में ज़्यादा दूध का इस्तेमाल किया तो हमारा जो श्रीखंड है बहुत ही पतला बनेगा, और श्रीखंड जो है बिल्कुल गाढ़ा और क्रीमी बनता है। तो इसलिए दूध जो है थोड़ा सा ध्यान से डालिए। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर अब हम इस दही को फेंटेंगे, और लगातार इतना फेंटना है कि इसमें बिल्कुल भी घुटली ना रहे और बिल्कुल सॉफ्ट एक हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो। और साथ में हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो यहाँ मैंने ये पीसी हुई चीनी ली है, तो आप यहाँ पे अपने मीठे के हिसाब से चीनी डालिए। मैंने यहाँ पे करीब 6 से 7 टेबल स्पून इसमें पीसी हुई चीनी डाल दी है। अब लगातार इसे हम हिलाते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी इसका टेक्सचर ना आ जाए। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें दूध डालते रहेंगे, वरना हम इसे बिल्कुल इसी तरीके से लगातार फेंटते रहेंगे। तो 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैंगो प्यूरी, क्योंकि यहाँ मैं मैंगो फ्लेवर का श्रीखंड बनाकर तैयार कर रही हूँ, इसलिए मैंगो फ्लेवर डाली हूँ। लेकिन अगर आप प्लेन श्रीखंड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस मैंगो को स्किप कर दीजिए। और मैंगो प्यूरी डालने के बाद एक बार फिर से हम इस मिक्सचर को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, और अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से मैंगो के पीस, क्योंकि श्रीखंड में जब मैंगो फ्लेवर के साथ हल्का सा मैंगो का बाइट आएगा तो वो उसमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसमें मैंगो डालूँ। आप नहीं डालना चाहते तो यहाँ स्किप कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने लिया है पिस्ता, काजू, बादाम और केसर के कुछ लच्छे। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है वो डालें, नहीं पसंद है तो उन्हें स्किप कर दीजिए। अब और ड्राई फ्रूट्स के साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। अब सभी चीज़ों को हम एक साथ मिला लेंगे, और सभी चीज़ों को मिलाने के बाद यहाँ हमारा ये मैंगो फ्लेवर श्रीखंड बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और यकीन मानिए बहुत टेस्टी रेसिपी है। आप मार्केट से श्रीखंड खाना भूल जाएंगे अगर एक बार इस श्रीखंड को बनाकर खा लेंगे। आप यहाँ पे फ्लेवर अपनी इच्छा के अनुसार कोई सा भी दे सकते हैं जो आपको पसंद आता है। सीजन में जो है मैंगो है
इसलिए मैंने यहाँ पे मैंगो फ्लेवर श्रीखंड बनाकर तैयार किया है। तो आप भी ज़रूर एक बार इसे बनाइए और मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और सभी चीज़ों को मिलाने के बाद 2 घंटे फ्रीज में रख देंगे, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रीज में रखना है, क्योंकि अगर फ्रीज़र में रखेंगे तो इसमें आइस क्रिस्टल जम जाएंगे और उससे हमारा श्रीखंड पतला हो जाएगा। तो इसे फ्रीज़र में रखिए ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो एक बाउल में मैं आपको सर्व करके बताती हूँ कि किस तरीके से हमें सर्व करना है। तो ये एक बाउल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे श्रीखंड और ऊपर से डालेंगे इसमें पिस्ता और थोड़े से डालेंगे इसके ऊपर केसर के लच्छे। और ये देखिए, तो यहाँ हमारा ये मैंगो फ्लेवर श्रीखंड बनकर तैयार है। तो आप भी बनाइए, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मिलते एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।